आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। फिजिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका 5 डेज बाद में 6 डेज बाद फिजिकल है, राजस्थान बूंदी एंड अजमेर जयपुर के स्टूडेंट्स का, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या शेड्यूल रहेगा इन 6 डेज के अंदर भी, किस तरह से आप प्रिपरेशन करें कि आप आराम से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाए। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे वीडियोज है, तो इस पर आप रेगुलर बने रहे हैं। 6 डेज की क्लास के अंदर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रैक्टिस कर रखी है और जिनकी स्ट्रेंथ सही है, वो स्टूडेंट आराम से अपना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। इस फिजिकल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की। जो स्टूडेंट पेशेंस रखेंगे वो आराम से इजी में अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, और जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा, स्टार्टिंग में आप गए ग्राउंड के अंदर, आपने पहले दिन 12-12 राउंड निकाल लिए, 13 राउंड निकाल लिए, 4 दिन तक आप रोज 15-15 राउंड निकाले जा रहे हो, तो उससे क्या है कि फिर आपके इंजरीज वगैरह हो जाएगी और आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात ध्यान में देने लायक बात यह है कि आज 23 तारीख है और 24 तारीख के लिए, मतलब कल मॉर्निंग से मैं आपको फिजिकल शेड्यूल बता रहा हूँ। इसके अंदर आप क्या रहेगा कि आप कल मॉर्निंग में आप फिक्स 7 AM आप 7 बजे ग्राउंड में जाएंगे, जल्दी नहीं जाना है क्योंकि आपको जो टाइम दिया गया है, जो नोटिफिकेशन मैंने पहले अपलोड कर दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसमें आपको मॉर्निंग 5 बजे बोला गया है 5 PM, लेकिन आपकी जो रनिंग स्टार्ट होगी वो मेरे हिसाब से 5:30 बजे या 6-6 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगी। 6 AM पे या 6:30 पे आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, एवरेज ये मान के चलते हैं। अगर आप जल्दी जाके वहां पर, अब 6:30 पे तो पहला बैच चलेगा, उसका नंबर 6:30 आधी घंटा कम से कम लगेगा, आधी घंटा 45 मिनट लगेगा कम से कम, तो आपका नंबर मान लो सेकंड बैच में नंबर आया तो 7 AM पर आपका नंबर आएगा। अगर आपका थर्ड या फोर्थ बैच में नंबर आया तो आप तो आपका नंबर 8 AM तक या 8:30 तक आएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो आप 7 AM पे जाएंगे तो 7 AM पे थोड़ा सा सही रहता है, धूप सी भी रहती है, तो उसके अंदर आपको जाना है और सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करेंगे क्योंकि आपने फिजिकल छोड़ रखा है, जो रेगुलर कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है 15 मिनट तक आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपको कल 6 राउंड निकाल लें, 6 राउंड किस अनुसार निकालेंगे जो आपको प्रॉपर चीज बता रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान से करिएगा आप। 6 राउंड के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होगा, मीन्स आप 18 मिनट के अंदर 6 राउंड निकालेंगे, और जो मेल कैंडिडेट है वो 12 मिनट के अंदर 6 राउंड निकालेंगे, 2 मिनट के अंदर 1 राउंड, उससे ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है बिल्कुल भी, और इसी स्पीड के अंदर आपको ये राउंड निकालने हैं। और उसके बाद में जब आप निकालेंगे ज्यादा स्पीड बिल्कुल भी नहीं लगानी है, आपको पेशेंस से काम लेना है और सिर्फ 6 राउंड निकालने हैं आपको। और उसके बाद में 1 आवर तक 1 घंटे तक आपको स्लो वर्कआउट करना है। स्लो वर्कआउट मीन्स जो आपका SI का जो फिजिकल था, जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है, उसमें चलता है हिट वर्कआउट, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट रनिंग होती है, ये लॉन्ग रनिंग है। तो लॉन्ग रनिंग तक आप सबसे पहले 6 राउंड निकालेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और 1 घंटे वर्कआउट करेंगे आप, तो आपकी बॉडी रूटीन में रहेगी और आपके जो रिदम है वो मेंटेन होगा, आपका रिदम है ना वो मेंटेन होगा, जिससे आप है ना आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और आपको हाफ एंड 45 मिनट तक इसमें लगेंगे, और 1 आवर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका 2 घंटे का स्टेमिना डेवलप होगा। और स्लो वर्कआउट के अंदर आप बिल्कुल स्लो वर्कआउट करेंगे जिसमें बिल्कुल भी आपको जंप वगैरह कम करना है, पेटी एक्सरसाइज वगैरह हुई, हैंड्स मूवमेंट वगैरह हुए और स्ट्रेचिंग वगैरह वो आप करेंगे। और लास्ट में 1 आवर वर्कआउट के बाद आपको योगा करना है। योगा के अंदर आप सूर्य नमस्कार या सिंपल जो भी आपको आता है वो साफ साफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ बॉडी को बहुत ही कम टाइम में स्टैंड अप करनी है, और ये कंपलसरी भी नहीं है, जो स्टूडेंट करना चाहिए वो कर सकता है, बाकी कंपलसरी नहीं है। तो ये सिंपल का आपका रूटीन रहेगा, इसको आपको फॉलो करना है। और जो नेक्स्ट डे का है 25 का, वो मैं कल शाम को इसी वक्त अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो जितना उसके अंदर शेयर कीजिए, जिससे जो बाकी स्टूडेंट्स भी है जिनको बहुत ज्यादा टेंशन में आ रखे हैं, जो भाई हम किस तरह से फिजिकल प्रिपरेशन करें, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, तो प्लीज इस वीडियो जितना उसके अंदर फैलाइए। और आप सभी स्टूडेंट्स को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज जितना उसके इतना इसको लाइक कीजिए।